जय माता दी दोस्तों, स्वागत है कल्टो रसलिंग में। सो भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज 2023। शिकागो के अंदर दो बड़े झटके मिलेंगे बिल्कुल भाई, दो बड़े झटकों के लिए तैयार रही है। लेकिन वो दो बड़े झटके क्या होने वाले हैं, उसके जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मेरे जानवन, मेरे दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल द कल्टो रसलिंग। सो दोस्तों देखिए, सर्वाइवर सीरीज के अंदर आपको दो बड़े झटके देखने को मिल सकते हैं। नंबर वन झटका, द कल्ट ऑफ रेसलिंग। जी मैं, यानी कि मैं द कल्ट ऑफ रेसलिंग, द कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि सीएम पंक द बेस्ट इन द वर्ल्ड का ऑफिशियली रिटर्न आपको देखने को मिलने वाला है डब्ल्यू कंपनी के अंदर। और भाई वो आके रोमन रिंग्स को इंटरप्ट करने वाला है, इंटरफेरेंस करने वाला है। ये कैसा लगेगा इमेजिन करें आप। यार मैं ना वीडियो बना के डाल देता लेकिन यूट्यूब पर कॉपीराइट डाल जाता। अब वो कॉपीराइट से बचने के लिए मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो इस वीडियो को तो प्लीज़ हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। मैं ट्विटर अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये फोटो भी आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये हमारे ट्विटर अकाउंट है, इसको फॉलो कर लीजिए दोस्तों। अगर आपको यूट्यूब से ही पहले अपडेट चाहिए, बहुत जल्दी अपडेट मिलेगी आपको। मेरे को मैसेज करिए, मैं आपको तमाम रिप्लाई करूंगा। सो दोस्तों, सर्वाइवर सीरीज के अंदर आपको सीएम पंक का ऑफिशियली रिटर्न देखने को मिल सकता है, जिसके ईस्टर एग्स, हिंट, रूमर बहुत कुछ है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको वेट करना है सर्वाइवर सीरीज के अंदर का। अब उससे बड़ा शॉकर क्या है भाई, जो कि डब्ल्यू कंपनी हमें दे चुकी है। बिकॉज यहाँ पर अब ऑफिशियली है कि यहाँ पर रॉलिंस रोमन का मैच नहीं होने वाला दोस्तों। जी हाँ, ये मैच अब नहीं होने वाला सर्वाइवर सीरीज के अंदर, चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच नहीं होने वाला। ऑफिशियली बता रहा हूँ आपको, आज ही बता रहा हूँ। यहाँ पर वजह मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी वजह यह है कि दोनों की हार। अब रोमन रेंस और सेथ रोलिंस एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, और रोमन रेंस की तो भाई टाटा रिंग इतनी लंबी हो चुकी है मैं आपको बता नहीं सकता, करीबन 1190 दिनों की हो चुकी है। और सेथ रोलिंस भी भाई, मैं सेथ रोलिंस के लिए बहुत खुश हूँ, बिकॉज रोलिंस को मैं नेक्स्ट पिछले साल देखता था, रोलिंस एक मैच नहीं जीता था भाई। रोलिंस के जितने भी प्रीमियम लाइव इवेंट के मैचेस थे ना, वो सारे हारा था। लेकिन अगर मैं अब रोलिंस को देखता हूँ और मैं ये खुशियाँ मनाता हूँ कि भाई रोलिंस जीत तो रहा है, मानता हूँ कि रोलिंस के मैचेस उतने बढ़िया नहीं होते। मैचेस का मतलब ये नहीं कि रोलिंस खराब सुपरस्टार है, नो, रोलिंस इज अ बिग सुपरस्टार। आई थिंक मैं सेथ रोलिंस को रोमन से भी ऊपर मानता हूँ, क्योंकि उसके माइंड स्किल्स हो चाहे उसकी जिमनास्टिक हो, वो रोमन से ऊपर हमेशा। लेकिन बात करें स्टोरी लाइन की, तो सेथ रोलिंस के पास कोई बढ़िया स्टोरी लाइन नहीं आ रही। हाँ, उसके पास अपोनेंट की दिक्कत नहीं है, उसके पास अपोनेंट ही अपोनेंट आ रहे हैं। तो देखा जाए तो भाई सेथ रोलिंस भी कमाल कर रहा है और रोमन तो है ही। अब बात करें भाई ये मैच क्यों नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ये मैच में सबसे बड़ी वजह है कि दोनों की हार नहीं दिखा सकते। अब चैंपियन वर्सेस चैंपियन का मैच अगर हमने देखा है, 2017 में हुआ था, ब्रॉक लेसनर वर्सेस एजे स्टाइल्स। कौन जीता था? ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। उसके बाद हुआ ब्रॉक लेसनर वर्सेस डैनियल ब्रायन। कौन जीता? ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। उसके बाद हुआ चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच, 2019 में नहीं हुआ था, ये हुआ 2020 में। कौन जीता? रोमन रिंग्स वर्सेस ड्रू मैकइंटायर, रोमन रिंग्स यूनिवर्सल चैंपियनशिप। फिर वो 2021 में रोमन रिंग्स वर्सेस बिगी के बीच रोमन रिंग्स यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो भाई यूनिवर्सल चैंपियनशिप हमेशा डोमिनेट करती आई है सर्वाइवर सीरीज के अंदर। लेकिन इस साल यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं, अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप है और वहां पर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है। तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप वर्सेस द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच आपको देखने को नहीं मिल सकता, बिकॉज नाउ रोमन वर्सेस रॉलिंस एक टॉप ऑफ द लेवल सुपरस्टार है। दोनों अलग ब्रांड के अंदर है, रोड स्मैकडाउन, और दोनों के टॉप लेवल के सुपरस्टार है, दोनों कंट्रोल करते हैं, और यहाँ पर दोनों की हार दिखा नहीं सकते। क्योंकि अगर चैंपियन और चैंपियन का मैच होता है सर्वाइवर सीरीज के अंदर, तो भाई एक की हार तय है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी फिलहाल इस हार से बचेगी, बिकॉज यहाँ पर रेसलमेनिया के लिए प्लान बनने वाले हैं, और आई थिंक बन रहे हैं रेसलमेनिया 40 के लिए। और वहाँ पर रोमन का अपोनेंट तो फिक्स है कोडी रोड्स, और सेथ रोलिंस का अपोनेंट फिक्स है आई थिंक गुंथर। तो कहीं ना कहीं भाई देखा जाए तो यहाँ पर जो है डोड़ी सोच के बैठी है कि उनको क्या करना है, डोड़ी सोच के बैठी है कि उन्होंने किस तरह से आगे की डेस्टिनी रचनी है। और रोमन रिंग वर्सेस रोलिंस का मैच सर्वाइवर सीरीज के अंदर ना होकर किसी बड़े इवेंट में होगा आई थिंक फ्यूचर में। आई थिंक मेरे हिसाब से मैच तब कराना चाहिए जब दोनों के बीच में टाइटल ना हो। मैं ये मैच तब देखना चाहता हूँ यार, इस मैच को मैं सिंगल देखना चाहता हूँ, रोमन रिंग वर्सेस सेथ रोलिंस सिंगल मैच होगा। आई थिंक अब इसको रेसलमेनिया का मेन इवेंट भी करा दो चाहे, कोई टाइटल इंक्लूड ना हो इसके अंदर, बहुत मजा आ जाएगा इस मैच के अंदर। जैसे कि आपने रेसलमेनिया 33 के अंदर देखा था रोमन रिंग्स वर्सेस अंडरटेकर के बीच मैच था, रोमन और अंडरटेकर के बीच बड़ा मैच था, कोई टाइटल इंक्लूड नहीं था, लेकिन फिर भी ये मैच हुआ, धासु मैच हुआ था, लेकिन सही मैच था। सेम लाइक गोस टू रोलिंस और रोमन, इनका मैच अब रेसलमेनिया में करा दो सिंगल मैच, एक की जीत होगी लेकिन कोई टाइटल नहीं होगा। ये तब कराना जब दोनों अपने टाइटल हार चुके होंगे, रोमन हार चुका होगा और रोलिंस हार चुका होगा, तब इनका मैच कराना, तब बढ़िया होगा। तो मैं इस डिसीजन से डब्ल्यूडब्ल्यूई के सहमत हूँ कि ये सर्वाइवर सीरीज के अंदर मैच नहीं हो रहा, बिकॉज अगर ये सर्वाइवर सीरीज के अंदर मैच होता
तो भाई सर्वाइवर सीरीज के अंदर बिल्डअप नहीं होती, आप समझ सकते हैं कि 10-15 दिन के अंदर बिल्डअप कौन सी हो जाएगी एक बड़े मैच के लिए, वो भी रोमन और रोलिंस का। तो आई थिंक ये मैच कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए बचा के रखेगी कंपनी, और तब के लिए बचा के रखेगी जब WWE कंपनी रोमन रेंस को रोलिंस को दोनों को हरवाना दे और उन दोनों की पोजिशन में कोई नया स्टार बिल्ड ना कर दे। और आई थिंक तब ये मैच के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे और ये मैच सब ज्यादा बिग बजट हाइप लगेगा ना कि अभी लगेगा। तो देखा जाए तो भाई WWE कंपनी का फैसला रोमन और रोलिंस को अभी बढ़वा कर ना फ्यूचर में बढ़वाया तो बहुत सही डिसीजन है। तो दोस्तों यदि वीडियो आज की वीडियो रोलिंस और रोमन नो सर्वाइवर सीरीज नहीं होने वाला, और आई थिंक सर्वाइवर सीरीज के अंदर वॉर गेम होगा या नॉर्मल ब्रांड सुप्रीमेसी मैच होगा, ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, मुझे कुछ पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE से पाने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब चैनल। जय माता दी, जय भगवान राधा कृष्ण, जय भगवान गणपति, जय महादेव। धन्यवाद दोस्तों, जय भगवान राम।